छह माह में जो सरकार कर रही है, जो सरकार जिस तरह से छह माह का लगा, तो ऐसा लग रहा है कि खाली हमने चेहरा बदला, ना व्यवस्था बदली है, ना हालात बदले हैं, ना ही कोई परिवर्तन आया है। हाँ, चेहरा जरूर बदल गया, कुछ अधिकारियों के चेहरे बदल गए, कुछ मंत्रियों के चेहरे बदल गए, विधायकों के चेहरे बदल गए, लेकिन नहीं बदला तो गाँव के किसान के हालात, मजदूरों के हालात जो और बदतर हो रहे हैं, चाहे प्रदेश का व्यापार हो, चाहे रोजगार का नौजवान के हालात हो, उनमें कोई सुधार ना तो हमें अखिलेश जी की सरकार 5 साल में दिखाई दिया था और ना ही जो 6 महीने की योगी सरकार रही है उसमें दिखाई दे रहा है। अक्सर मीडिया के माध्यम से जब आती है बात तो विधानसभाओं में भी ये चर्चा होती है कि आपने, समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया, अखिलेश जी ने कुछ नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। हम कहना चाहेंगे योगी जी से कि जनता ने, अखिलेश यादव जी ने चूंकि 5 साल कुछ नहीं किया था तो उनको हटाने में कोई कोताही नहीं बरती, और जो पार्टी 222 सीटों या 226 सीटों के साथ थी उसको आज 47 सीटों में लाकर दिया। लेकिन अगर यही हाल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जिस तरह से 6 महीनों में उत्तर प्रदेश में हालात, चाहे डकैती में हो, चाहे लूट में हो, चाहे हत्याओं में हो, चाहे दंगों में हो, और उससे ज्यादा विषम परिस्थिति और उससे ज्यादा बुरी स्थिति तब रही जब 15 साल से योगी जी जिस क्षेत्र से सांसद हैं उस क्षेत्र में ऑक्सीजन की सप्लाई जब बच्चों को नहीं दे सकी, और उसके बाद में जो वहाँ मीडिया के माध्यम से तो 30 बच्चे कहे गए लेकिन असल में वहाँ 102 बच्चों की मौत ऑक्सीजन की कमी से, बच्चों के आंकड़े सही प्रकाशित नहीं किए गए, और उससे भी बुरी बात पिछले 25 साल में लगभग 40,000 बच्चों ने इस जापानी ज्वार से योगी जी के क्षेत्र से दम तोड़ा। जिस समय योगी जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा बनाया तो हमने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से बात कही थी कि जो व्यक्ति 15 साल सांसद रहते हुए अपने क्षेत्र में जापानी बुखार ठीक नहीं कर सका, 19 मार्च को ये बात हमने कही थी, वो इस उत्तर प्रदेश के हालात को क्या ठीक करेगा ये सोचने का विषय। शायद भारतीय जनता पार्टी का निर्णय सही नहीं था और ये बात अगस्त के महीने में सिद्ध भी हुई। बताते हैं आप लोगों के माध्यम से कि एक दिन पहले योगी जी का दौरा उस अस्पताल में हुआ और सारे का सारा प्रशासन योगी जी के दौरे में लगा रहा, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री बाहुबली मुख्यमंत्री हैं, जब जाते हैं तो पूरा प्रशासन हिल जाता है अस्पताल का, और अस्पताल का प्रशासन ये भूल गया कि गरीब और मासूम बच्चे जो हैं उनको ऑक्सीजन भी चाहिए और उनकी ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन कंपनी को भुगतान भी करना है। वो इस बात को ही भूल गया, वो सिर्फ योगी जी को खुश करने के लिए अस्पताल को चमकाने में लगा रहा